आगे पढ़ते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो है वो आपके पास क्या कहा जा रहा है, फ्लॉपी डिस्क इज अ सर्कुलर प्लास्टिक प्लेट कोटेड विद मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड सील्ड इनसाइड अ प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर। इट इज पोर्टेबल एंड कैन बी कैरिड इजली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अ फ्लॉपी डिस्क 3.5 इंचेस इन साइज एंड हैज अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 1.544 मेगाबाइट्स ऑफ डेटा। एमबी का मतलब है मेगाबाइट्स, ठीक है ना। तो इसकी कैपेसिटी, फ्लॉपी डिस्क भी एक हमारे पास डिवाइस है जिसके अंदर एक डिस्क है हमारे पास, और इसके अंदर हम सिर्फ काम ये होता है कि इसका भी काम क्या था, पहले हमारे पास यूएसबी नहीं होती थी, हमारे पास इजीली हम डेटा को मूव नहीं कर सकते थे, तो हार्ड डिस्क हमारे पास होती थी, फ्लॉपी डिस्क होती थी और हार्ड डिस्क होती थी। तो फ्लॉपी डिस्क के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते थे, लेकिन इसकी एक कैपेसिटी होती है कि इसकी एक लिमिटेशन थी। जो लिमिटेशन इसकी क्या थी कि इसके अंदर कहाँ तक डेटा को स्टोर कर सकते थे, 1.44 मेगाबाइट्स यहाँ तक इसकी लिमिटेशन थी। इससे ज़्यादा हम लिमिटेशन इसकी नहीं थी, इससे ज़्यादा आप डेटा को स्टोर नहीं कर सकते थे इसमें। और इसका जो साइज़ होता है, ये पूरी फ्लॉपी डिस्क का साइज़ है, इसकी 3.5 इंचेस, यानी कि 3.5 इंचेस इसका साइज़ होता था। थोड़ी सी ये हमारे लिए डिसएडवांटेज था, ये स्पेस ज़्यादा लेती थी और कैपेसिटी भी इसकी स्टोरेज डिवाइस की बहुत कम थी। तो पहले होती थी, अब फ्लॉपी डिस्क नहीं होती स्टूडेंट्स, आप सिर्फ डायरेक्ट यूएसबी यूज़ की जाती है। जब भी आपको डेटा स्टोर करना हो तो यूएसबी लोग इस्तेमाल करते हैं और इजीली डेटा को मूव कर लेते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। पहले यूएसबी जब होती थी, नहीं होती थी, तो हम फ्लॉपी डिस्क को यूज़ करते थे। यूएसबी फ्लैश ड्राइव आपने देखी होगी, यूएसबी आप यूज़ भी कर रहे होंगे, इसको पढ़ते हैं। यूएसबी, यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। इट इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, इट इज़ कॉम्पैक्ट फास्ट एंड कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। USB flash drives are rewritable drives. You can write and erase data as memory time as you can want. It is a convenient means of transferring data from one computer to the another due to the smallest size. USB flash drive is also known as pen drive. This drive storage are available in different capacities. They usually range from 1 GB to the 256 GB. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये सब सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है। सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्टोर होता है, यूएसबी के अंदर भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा स्टोर करते हैं और इजीली हम मूव कर सकते हैं। ये पोर्टेबल होती है हमारे पास, और इसके अंदर जो कैपेसिटी है वो कितनी है, आपके पास 1 GB से 256 GB तक आप डेटा ईजिली आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। यानी कि हार्ड डिस्क का काम भी एक तरीके से, पहले 256 GB की हार्ड डिस्क यानी कि 80 MB की आती थी, अब आप हार्ड डिस्क लगाएं, यूएसबी लगाएं, यानी कि हार्ड डिस्क का काम भी यूएसबी कर सकती है, इतना डेटा स्टोर आप यूएसबी में करा सकते हैं। इसको पेन ड्राइव भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी सीडी रोम, जिसको सीडी रोम कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये सीडी रोम कहते हैं जिसके अंदर आपके पास क्या होता है, बढ़ते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर डिजिटल डेटा परमानेंटली, ये भी स्टोर डिजिटल डेटा इसके अंदर परमानेंटली, डिजिटल डेटा से हमारा 0 और 1 की फॉर्म में डेटा स्टोर होगा। द सरफेस ऑफ द सी डी इज कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कोट, इसका ये जो है सरफेस इसकी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कोट से कवर्ड होती है। डेटा इज स्टोर्ड इन सी डी रोम इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पिट्स दैट कैन बी बर्न आउट विद द हेल्प ऑफ द लेजर बीम इन टू द थीन कोटिंग ऑन इट्स सरफेस। To read data from CD, a CD-ROM is needed which uses a laser beam to read the data on the CD by sensing the difference in its reflection. A typical CD-ROM stores 600 to 700 MB of the data. CD-ROM का काम भी यही होता है, CD-ROM भी आपके पास डेटा स्टोर कर सकते हैं आप इसके अंदर, और CD-ROM के अंदर आप CD जो आपके पास ROM है इसके अंदर सीडी रोम स्टोर कर सकता है कितना डेटा, 600 से 700 एमबी ऑफ डेटा इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। और कॉम्पैक्ट डिस्क को हम ये भी कह सकते हैं, इट इज़ अ रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस भी हम कह सकते हैं इसको, और डेटा इज स्टोर्ड ऑन अ सीडी। इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है सीडी के अंदर, कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर किस फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, टाइनी पिट्स that are burnt out with the help of laser beam के थ्रो into the thin coated on its surface। याद रखिएगा, tiny pits की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, याद रखिएगा।
और टू यूज अ सी डी एंड रीड और राइट डेटा, हम सी डी की मदद से रीड और राइट कर सकते हैं डेटा को। और जो है ये जो सी डी है वो कितनी स्टोर कर सकता है डेटा को, 600 MB से 700 MB तक डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डीवीडी, डिजिटल। डीवीडी का मतलब क्या है, डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क, इसको भी पढ़ लेते हैं। डिजिटल वीडियो डिस्क विच आर कॉमनली कॉल्ड डीवीडीज आर सिमिलर एज सीडीज, द ओनली डिफरेंस बिटवीन सीडी एंड डीवीडी इज दैट डीवीडीज आर स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एज कम्पेयर टू द सीडीज। डीवीडीज के अंदर डिफरेंस बस ये है, ये भी स्टोर करता है डेटा को और सीडी भी स्टोर करता है डेटा को, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये लार्ज, उससे भी ज़्यादा, सीडी से भी ज़्यादा अमाउंट में डेटा को स्टोर करता है। उसकी जो कैपेसिटी है 4.7 GB ऑफ डेटा, यहाँ तक वो स्टोर कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे।